सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड रिकार्ज में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो में मैं उन ड्रामे के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको शायद आपने मिस कर दिया हो। तो ये कौन से ड्रामे और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखनी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करनी, शेयर करनी है, और इस चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। सो स्टार्ट कर दें बिना देर किए। जो सातवें नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है कायरोस, बात करें इस ड्रामे के रेटिंग की तो 8.5 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10, और इसमें जो एपिसोड देखने मिलते हैं जो कि है टोटल 16, और 1 घंटे 10 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात करें इस ड्रामे के जेनर्स की तो ड्रामा एक्शन थ्रिलर साइफाई ड्रामा। इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम है एरी, एरिया के स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करती है। उसकी माँ बीमार होती है जिनकी मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाली होती है। एक दिन अचानक से वो गायब हो जाती है। अब एरी को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। उसी समय उसे एक कॉल आती है जो कि एक अनजान व्यक्ति की कॉल आती है, और उसे वह बताता है कि मतलब वो 31 दिन फ्यूचर से, यानी कि फ्यूचर से कॉल कर रहा है जो कि 31 दिन आगे है। जिस व्यक्ति ने फ्यूचर से कॉल किया होता है उसका नाम होता है सीओजी। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है जिसके बेटी की किडनैपिंग हो जाती है। बेटी के किडनैप होने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो सुसाइड कर लेती है। अब इन चीजों को स्टेबल यानी कि ठीक करने के लिए सीओजी को एक मौका दिया जाता है, जिसको मतलब एक कॉल करने के लिए कहा जाता है पास्ट में, वो भी किसी स्ट्रेंज को। जब वो कॉल लगाता है तो उसकी जो कॉल है एरी के पास आती है। अब इन दोनों किस तरह से एक दूसरे के हेल्प करते हैं और अपने अपने फैमिली को बचाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको एपिक ऑन एक ऐप है जिसपे आपको देखने को मिल जाएगा, सो जाकर के आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब लिस्ट में जो छठे नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है द मास्टर सन, लेकिन आप इसको जब G5 ऐप पे देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा लाल इश्क से, तभी जाकर के ये ड्रामा आपको मिल पाएगा। सो आप इसको लाल इश्क से सर्च कर सकते हो। यदि बात करें इस ड्रामे के बारे में तो 8.6 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10, और इसमें जो आपको एपिसोड देखने मिलते हैं जो कि है 17 और 1 घंटे 2 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामा हॉरर कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। अब इसमें आपको कहानी क्या देखने को मिलता है, इस ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है मार्था। मार्था के पास ऐसा पावर होता है जिसके वजह से वो भूत को देख सकती है और उससे बातें भी कर सकती है। अब मार्था भूतों से इतना ज्यादा परेशान होती है जिसके वजह से ना तो वो रात को सो पाती है और ना ही कहीं पे वो जॉब कर पाती है। अब एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है डैनियल। डैनियल एक मॉल का CEO होता है। जब मार्था उसके आसपास में रहता है तो भूत वहाँ पे नहीं आते, यानी कि भूत उसके करीब नहीं आता और मार्था मतलब अच्छे से रह पाती है। अब इन चीज़ों को नोटिस करती है मार्था, जिसके बाद से मार्था सोचती है उसके करीब जाने का, उसको पटाने का। अब मार्था उसके करीब जाने के लिए क्या क्या सारी चीज़ें करता है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको G5 ऐप पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लाल इश्क फॉरन स्पेशल से सर्च करके देख सकते हो। अब इसमें जो पांचवें नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है प्लीज डोंट डेट हिम, बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 7.8 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10, और इसमें जो एपिसोड आपको देखने मिलते हैं जो कि है टोटल 10, और इसकी जो रनिंग टाइम रखी गई है वो 1 घंटे की रखी गई है। और अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामा कॉमेडी रोमांसिक साइफाई ड्रामा है, और इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम है जीसंग। जीसंग एक प्रोग्रामर होती है जो कि एक रेफ्रिजरेटर पे वर्क कर रही होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का चिप उस रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसर्ट कर देती है, जिसके वजह से मतलब वो रेफ्रिजरेटर के माध्यम से किसी भी इंसान के बारे में पता लगा सकती थी। और फिर एक दिन उसकी जो मुलाकात है एक्सीडेंटली एक लड़के से होता है जो कि एक फायर फाइटर होता है जिसका नाम होता है जंगकुक। जंगकुक के बारे में जब वो रेफ्रिजरेटर से पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जंगकुक कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज नहीं करता था, जिसके वजह से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता। अब आगे क्या सारी चीज़ें होती है, किस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ता है, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा टाटा विदेशी की कहानियाँ पर मतलब टेलीकास्ट हुई, यानी कि टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी, तो ये ड्रामा आप वहाँ पे खत्म हो चुका तो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर इस ड्रामे को देखना चाहते हो तो किसी भी टेलीग्राम या फिर वेबसाइट वगैरह से जुगाड़ लगाकर देख सकते हो, ये मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से देख सकते हो। अब इसमें जो चौथे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है द गेम टूवर्ड्स जीरो, बात करें इस ड्रामे की रेटिंग तो 7.8 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10, और इसमें जो एपिसोड आपको देखने मिलेंगे जो कि है 32 और 30 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में, सो ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल ड्रामा है। अब इस ड्रामे में आपको कहानी क्या देखने को मिलता है, सो इस ड्रामे में कहानी देखने को मिल जाता है
ताई प्यूंग की, जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होते हैं जिसके मदद से वो किसी भी इंसान की आंखों में देख करके उसके साथ मतलब उसके जो डेथ होने वाली होती है उससे पहले की दृश्य को देख सकता है, यानी कि वो किस तरह से उसकी मौत होगी ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। जिसके एडवांटेज लेता है वो क्या करता है, अमीर लोगों से उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेल करता है। अब एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है जो कि एक डिटेक्टिव होती है जिसका नाम होता है जून यांग। अब जब ताइपियंग उसकी आंखों में देखते हैं यानी कि जून यांग की आंखों में देखता है तो उसका फ्यूचर या फिर पास्ट जो भी है उसके बारे में कुछ भी वो नहीं देख पाता है। अब ताइपियंग उसे इग्नोर करना चाहता है, उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उसके फ्यूचर को नहीं देख पा रहा होता। लेकिन वो एक केस में ऑटोमेटिकली यानी कि न चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाता है जून यांग के साथ। अब आगे क्या सारी चीजें होगी, किस तरह से इन दोनों में प्यार होगा और क्या क्या सारी चीजें होगी, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा अभी टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी वहां पे खत्म हो चुकी है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हो तो जुगाड़ लगा के किसी भी टेलीग्राम या फिर वेबसाइट से देख सकते हो। अब इसमें जो तीसरे नंबर पे ड्रामा जिसका नाम है हु आर यू स्कूल 2015, बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो 8.12 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें जो एपिसोड देखने को मिलता है जो कि 16:60 यानी कि 1 घंटे की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामा मिस्ट्री रोमांस पे बेस्ड है। अब इसमें आपको कहानी क्या देखने को मिल जाता है, तो इस ड्रामे में आपको कहानी दो जुड़वा लड़कियों यानी कह सकते हो दो जुड़वा बहनों की देखने को मिलती है जिसका नाम है गो यून विल और ली यून बी। गो यून विल जो है वो मतलब एक रिच फैमिली से और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अपने स्कूल में, और दूसरी तरफ यून बी जी वो एक अनाथ है और वो एक अनाथालय में रहती है। अब एक दिन यून विल मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और उसी दौरान यून बी की भी याददाश्त खत्म हो जाती है। क्यों खत्म होती है, कैसे खत्म होती है, सारी चीज आपको ड्रामे के अंदर पता चलेगा। अब लोग क्या करते हैं यून बी के गो यून विल समझने लगते हैं, उसके बाद से यून बी भी मतलब यून विल के लाइफ जो है जीने लगती है। अब आगे क्या सारी चीजें होंगी, यून बी की याददाश्त वापस आएगी या नहीं आएगी, यून विल कहाँ गई, क्या हुआ, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा अभी टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था तो वहां पे अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, सो यदि आप इसको भी देखना चाहते हो तो जुगाड़ लगाड़ के देखना पड़ेगा। अब लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है अनकंट्रोलेबली फॉन, बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो इसको जो रेटिंग मिली है वो है 8.1 की आउट ऑफ 10 और इसमें जो एपिसोड देखने मिलते हैं जो कि है टोटल 20:60 की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। ड्रामा कॉमेडी रोमांस में बेस्ट है। अब यदि बात की जाए इस ड्रामे में स्टोरी की तो इसमें आपको कहानी क्या देखने को मिलता है, सो ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है जून यांग और नो यूल की, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं लेकिन सम ऑफ द रीजन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है ये तो आपको ड्रामे देखने के बाद ही पता चलेगा। वक्त बीतता है हम देखते हैं जून यांग एक सुपरस्टार सिंगर और एक्टर बन चुका है और दूसरी तरफ जो अपनी नो यूल एक डॉक्यूमेंट्री का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन चुकी है। अब एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब किस तरह से दोनों के बीच में किस तरह से फिर से फीलिंग उत्पन्न होती है और क्या क्या सारी चीजें होती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। तो ये ड्रामा अभी टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी तो वहां पे खत्म हो चुकी है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो इसे भी आप जुगाड़ लगा कर देख सकते हो जो कि आपको किसी मतलब टेलीग्राम या फिर वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो नंबर वन पर ड्रामा है जिसका नाम है स्कूल 2017, बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो 8.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें जो एपिसोड देखने मिलते हैं जो कि टोटल 16:60 की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामा मिस्ट्री कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। अब इसमें आपको कहानी क्या देखने को मिल जाता है, सो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिल जाता है यूनो की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और पढ़ने में भी उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जिस वजह से उसे स्कूल में हमेशा डांट खाने पड़ते हैं और स्कूल के जो बच्चे होते हैं जो कि रिच फैमिली से होते हैं वो उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। और इतना सारा चीज होने के बावजूद भी एक दिन यू नो मतलब एक मिस्टर एक्स की वजह से एक प्रॉब्लम में फंस जाती है, जिसके वजह से स्कूल वाले उसे बोलते हैं कि मिस्टर एक्स को ढूंढो या फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब यूनो किस तरह से उसे ढूंढती है और किस तरह से उस मिस्टर एक्स के प्यार में पड़ती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा अभी जिंग टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है, तो इसे भी यदि आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम वगैरह या फिर वेबसाइट से देख सकते हो जुगाड़ लगा के। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इनमें से आपने बहुत सारे ड्रामे नहीं देखे होंगे जिनको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, और इनमें से किन किन ड्रामे को आपने देखा है और किन को नहीं देखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में पहले दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।